भैया बताइए ग्रामीण के आज कलेक्टर पूछे क्या? देखिए जो 2019 का अभी बीमा राशि जो वितरण हुआ है अभी वो उसका पूरा विसंगतिपूर्ण वितरण हुआ है और कहीं कहीं 2 रुपए कहीं कहीं 4 रुपए तो कहीं कहीं पूरी पूरी पंचायतें छोड़ दी गई हैं। हमारे देवास ग्रामीण क्षेत्र का जो इलाका है उससे 10 से 12 हल्के छोड़ दिए गए हैं। कहीं लोगों को 2-2, 4-4 रुपए मिले हैं। तो कुल मिलाकर जो पूरा वितरण जो हुआ विसंगतिपूर्ण हुआ है और किसानों को बहुत उम्मीदें थी इस बीमा से। और जिस तरह से भाजपा ने प्रचार भी किया था कि बहुत सारा पैसा मिलेगा और बहुत ज्यादा उम्मीदें उनकी उससे पैदा हुई थी, लेकिन किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। ये जब वितरण जब हुआ है तो किसान के हाथ में कुछ भी नहीं आया। एक तरफ कहना कि बीमा जो आप उसी की राशि में मिल रही है जी, लेकिन बीजेपी जिस तरह से बोल रही है कि ये तो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो जो आपकी प्रीमियम कटती है उसके एवज में आपकी फसल के नुकसान के एवज में आपको मिलता है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इसमें एक चीज ये होती है कि आपको जिस अनुपात में बीमा मिलना चाहिए वो राशि किसानों को नहीं मिली है। पिछले 3 साल से लगातार किसानों की फसल खराब हो रही है, लेकिन जिस एवज में बीमा मिलना चाहिए उस एवज में बीमा नहीं मिल रहा है। अभी भी किसी को 2 रुपए किसी को 4 रुपए, पूरे जिले में 1 करोड़ और कुछ राशि इन लोगों ने दी और कोई 1 लाख किसान है तो 100 रुपए या 95 रुपए के आसपास एवरेज बैठ रहा है। तो पूरी तरह से ये लोग जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं और किसान को मारने का काम कर रहे हैं बीजेपी से। हम लोग अगर ये लोग अभी अगर नहीं जोड़ते हैं या ये लोग अगर अभी इसको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को, अगर ये लोग नहीं करते तो हम ग्रामीण स्तर पर और जन जन तक इस बात को ले जाएंगे और इस जो बीजेपी का जो किसान विरोधी चेहरा है इस चेहरे को जनता के सामने लाएंगे और जिसका नुकसान उपचुनाव में भी इनको उठाना पड़ेगा। बलखान सिंह देवड़ा, युवक कांग्रेस महासचिव देवास। भैया बताइए आज फसल बीमा को लेके आए क्या पूरा मामला? सन 19 का हमारा जो फसल बीमा की जो राशि किसानों के द्वारा काटी गई थी उसका बीमा इस साल हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन हमारी जो देवास विधानसभा का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो उसमें पूर्ण रूप से छूट गया है। कहीं कहीं आंशिक पैसा मिला है और मतलब पूरा हमारे इन गांव में जो है हमारे 54-55 गांव है उसमें विसंगतिपूर्ण बीमा राशि आई है। उसी के संदर्भ में आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि फिर से हमारा पूरा इसको पुनरीक्षण किया जाए और जो हमारी राशि जो है बीमा वो पूर्ण रूप से डाली जाए। माननीय कमलनाथ जी ने पिछली बार पूरी प्रीमियम राशि जो प्रदेश के हिस्से की थी वो डाल दी थी। सिर्फ ये जो आज हमारा जो पैसा डला है ये बहुत ही आंशिक है और जो हमारा पूरा जो हमारा खुद का ही पैसा है, फसल बीमा कोई सरकार नहीं दे रही है। जो हमारा बीमे का जो हमारा पैसा कटता है, जिस तरह से हम हमारा लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, जिस तरह से हम हमारी गाड़ियों का बीमा कराते हैं और जो हमको मुआवजा मिलता है वही मुआवजा जो हमारा पैसा है वो जो हमको मिलना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं डाला? नहीं अभी क्या डाला है, सिर्फ ये झूठा क्लिक करा शिवराज ने उज्जैन में और किसी के भी खाते में अभी तक पैसे नहीं आए। क्या मानते किसी खाते में 2 रुपया 3 रुपया? वही तो 4 रुपया 400 रुपया ये किसानों के साथ मजाक है। और इस सरकार ने हमेशा जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उसने किसानों के साथ मजाक किए और जो कल जो किसान का जो कल किसान विधेयक आए हैं ये पूर्ण रूप से किसानों के विरोध में है, ये पूंजीपतियों के हक में है। आज मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो हमारा किसान, अभी हमने देखा है कोविड में इन्होंने अध्यादेश लाके इसको नियम को लागू करा था और हमारा किसान जब व्यापारी के घर गया तो उसकी 1600 में 1400 में क्या भैया 1600 और 1400 में गेहूं बिका है। और जो MSP है वो MSP भी धीरे धीरे समाप्त करेंगे। इस बिल में प्रावधान है कि धीरे से MSP हटा देंगे और फिर हमारी जो किसान हमारा दर दर भटकेगा, हमारे व्यापार करके घर घर भटकेगा वो कि भैया हमारी खरीद हमारी फसल खरीद लो। आज मंडी में फिर भी नीलामी होती है, सिस्टम है कुछ,
वो सिस्टम हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा और ये किसानों के साथ अन्याय है, किसानों का ये जहर दिया जा रहा है। आगे तो क्या कार्रवाई भी हम जो लड़ाई लड़ेंगे इसके खिलाफ, तो हमारा आगे हम एकजुट होकर लड़ेंगे। आगे क्या कार्रवाई देगी आप? हाँ बिल्कुल, आगे जो है अगर ये किसान विरोधी बिल अगर लोकसभा में इन्होंने चाहे पास कर दिया, विधानसभा में अगर इसको लागू कर दिया, तो हम सड़कों पे आएंगे और किसानों के हक के लिए लड़ेंगे।